अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11 का टेक्नो कैमॉन 18T के साथ। दोस्तों दोनों मोबाइल रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए गए हैं और ये दोनों स्मार्टफोन आपको 28,000 के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में 4GB के वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। एक तरफ आपको टेक्नो में 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में एमोलेड डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का बैक सेंसर देखने को मिल रहा है। तो हमें इन दोनों स्मार्टफोन में कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, आज की इस वीडियो में इन दोनों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन की बात की जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाती है। पर्सनली इन माय ओपिनियन मुझे इन्फिनिक्स नोट 11 का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस स्मार्टफोन में आपको आईफोन 13 जैसी बॉक्सी शेप देखने को मिलती है और इस स्मार्टफोन में आपको स्मजिस भी देखने को नहीं मिलते। आप इस स्मार्टफोन को बिना कवर यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड टेक्नो कैमॉन 18T में भी आपको काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिलता है, पर इस स्मार्टफोन पे आपको स्मजिस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, प्लस इस स्मार्टफोन में आपको आईफोन 13 वाली शेप भी देखने को नहीं मिल रही। सो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो विनर है वो है इन्फिनिक्स नोट 11। बाकी चॉइस अप टू यू। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले क्वालिटी की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफ़ी अलग डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स नोट 11 में आपको 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। ऑन द अदर साइड टेक्नो कैमॉन 18T में आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है सेंटर पंच होल में और इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 60 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 में आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है और स्मार्टफोन पर गेमिंग प्लस वीडियोज़ देखने का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो कैमॉन 18T। सो अगेन डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर जो विनर है वो है इन्फिनिक्स नोट 11। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 4GB एंड 128GB का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये दोनों स्मार्टफोन आपके डे टू डे टास्क प्लस गेमिंग में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देंगे। आप इस मोबाइल पर PUBG जैसी हाई गेम्स को भी 40 FPS तक प्ले कर सकते हैं। इंटरनल स्पेसिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरा गेम की, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन के हाइलाइटेड फीचर भी हैं। एक तरफ आपको 48 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल रहा है और साथ में आपको 48 मेगापिक्सल का रियल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर प्लस 50 मेगापिक्सल का रियल कैमरा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो टेक्नो कैमॉन 18T है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, पर यहाँ पर 48 मेगापिक्सल जैसी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती और बैक साइड पर आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जबकि आपको इन्फिनिक्स में 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो टेक्नो कैमॉन 18T है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, पर यहाँ पर 48 मेगापिक्सल जैसी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती और बैक साइड पर आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जबकि आपको इन्फिनिक्स में 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स नोट 11 में यहाँ पर इसका जो 50 मेगापिक्सल है इसको पर्सनली मैंने टेस्ट किया है, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है।